एक तो सर्जिकल स्ट्राइक्स ने इंडिया में नहीं पाकिस्तान में इंटरेस्ट पैदा किया है बहुत ज्यादा। मैं जब ट्रैक टू में जाता हूँ, मुझे पाकिस्तानी जनरल मिलते हैं, वो कहते हैं जनरल साहब सर्जिकल स्ट्राइक्स तो पाकिस्तान में हुई नहीं। तो मैं तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप, हमने पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक्स करी नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक्स हमने करी है इंडियन टेरिटरी में जहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो आपने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो सर्जिकल स्ट्राइक्स हैव बीन कंडक्टेड इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विच इज इंडियन टेरिटरी नॉट इन पाकिस्तान। तो पहली बार वो ठीक बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। दूसरी बात, डॉक्टर मलिक थे यहाँ पर कुछ देर पहले, तो उन्होंने बोला बहुत सारे सवाल उठाए गए सर्जिकल स्ट्राइक्स पे, और बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने। लेकिन मुझे एक चीज थोड़ी सहमत नहीं, आज नहीं है लेकिन मैं पॉलिटिकल करेक्ट तो हो नहीं सकता, मिलिट्री मैन हूं, आई एम मिलिट्री करेक्ट। उन्होंने बोला कि इससे सेना का फौज का मोरल डाउन हुआ है। मैं थोड़ा सा यहां पर उनसे अलग होना चाहूंगा, सेना को बुरा लगा है, फौज को बुरा लगा है, नाराजगी है इस बात पे कि सवाल उठाए गए हैं, लेकिन मोरल डाउन नहीं हुआ है। जो हमारा मोरल है वो आपकी सेना बहुत सक्षम है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत अच्छी है, और किसी चीज से मोरल डाउन नहीं होगा, यह मैं आपको बता देना चाहता था पहले। जहां सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात है, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या है, क्यों किया, कहां किया, किसने किया, कैसे किया, ये पांच क्वेश्चन आते हैं। व्हाट, व्हाई, वेयर, हु एंड हाउ। तो इतना मेरा टाइम नहीं है सब कुछ बताऊं मैं, लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा जो सर्जिकल स्ट्राइक्स है, सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में सबको पता है तो मैं ज्यादा ड्वेल नहीं करूंगा। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर रिटोरिक के साथ उन्होंने जो कन्वेंशनल स्पेस है उसको खत्म करना चाहा, और उसमें क्या किया उन्होंने, लगभग पिछले तीन डिकेड से, 30 साल से ऊपर से, वो इंप्यूनिटी के साथ इन परपेचुटी जो है हमारे देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, और कहीं तो उसको जॉब चाहिए था। बहुत बड़े आतंक हमले हुए, 93 में हुआ, अक्षरधाम में हुआ, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, दिल्ली में हुआ, कोयम्बतूर में हुआ, पुणे में हुआ, बेंगलोर में हुआ, हर जगह हुआ। मुंबई में 26/11 जब हुआ 26 नवंबर को 2008 को, उसके बाद फौज ने तैयारी शुरू करने तैयारी करी सर्जिकल स्ट्राइक्स की। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक्स हैं, ये पिछले 10-11 साल से जो है तैयारी चल रही थी इसकी, इसके प्लान्स थे, और मिलिट्री का काम था कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को एक बास्केट देना टारगेट्स का। आफ्टर ऑल उसके बाद ये पॉलिटिकल चॉइस थी कि करना है या नहीं करना है, करना है तो कहां करना है, करना है तो किस लिए करना है, कैसे करना है, ये फौज के ऊपर था। द हाउ ऑफ इट इज लेफ्ट टू द आर्म फोर्सेस। सो टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट हैड टू बी डन। पाकिस्तान ने वेज द लो कॉस्ट हाई इफेक्ट वॉर, द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान हैड टू बी रेज्ड। इन उड़ी दे क्रॉस द थ्रेशोल्ड, लक्ष्मी रेखा पार कर दी उन्होंने, तो वी हैड टू हिट बैक, एंड यू नो द पब्लिक सेंटिमेंट हैड टू बी असॉल्ट एंड राइटली सो। तो उसलिए हमने जो टारगेट चुने, आई थिंक जिसने भी टारगेट चुने ये बहुत वंडरफुल टारगेट चुने। ये टारगेट जो थे लॉन्च पैड से टेररिस्ट के, पाकिस्तान और पीओके में 42 टेररिस्ट कैंप्स हैं, उसका हमें पूरा पता है कहां पर है। पाकिस्तान जो है टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता है, ट्रेन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर देता है, फंडिंग करता है, और जो टेररिज्म को वो इंजीनियर करता है और परपेट्रेट करता है हमारे हमारे देश में। तो हमें कहां तक उसको देखना था कि क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रेटजिक सिग्नल देना था, एक स्ट्रेटजिक रिजॉल्व दिखाना था, और बताना था कि स्ट्रेटजी के पीछे हमारा खत्म हो गया है। तो ये जो पॉलिटिकल मिलिट्री विल जो थी, जो डेमोन्स्ट्रेट की गई, एक अनप्रेसिडेंटेड थी, पहली बार ही हुआ ये। और मैंने जब पॉलिटिकल ये जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, मैंने पहले भी बोला ये कि ये पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, और मैं इसके लिए जो पॉलिटिकल मिलिट्री विल है उसको मैं दाद देना चाहूंगा, उसको सलाम करना चाहूंगा। साथ में जो टारगेट चुने गए ये एक प्रिवेंटिव टारगेट्स थे क्योंकि उड़ी के बाद हुआ, और ये प्रिवेंटिव टारगेट्स थे क्योंकि उन्होंने लॉन्च पैड्स में जाकर टेररिस्ट को घुस के उनके लॉन्च पैड्स में मारा। सो दैट इज अ प्रिवेंटिव ऑल्सो। तो बहुत ब्यूटिफुली कह गए। अभी कमिंग टू, आई जस्ट टेक वन मोर मिनट, आई कम डाउन टू द एक्चुअल्स ऑफ इट, ये कैसे करते हैं ये। मेरे पुणे एज है, हम दो एक ही रेजिमेंट के लोग यहां बैठे हैं, जो जिन लोगों ने किया वो पैरा स्पेशल फोर्सेस वाले थे, दुनिया के सबसे बैटल हार्डन और कंबैटिव ट्रूप्स हैं। मुझे गर्व ये कहने में, आई बिलोंग टू दोस ट्रूप्स। ये क्यों करते हैं, इनके साइकी क्या होती है, ये क्यों ऑप्ट करते हैं, यू नो हमारी जो फौज है दुनिया की सबसे लार्जेस्ट वॉलंटरी आर्मी है, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट वॉलंटरी आर्मी, उसमें से जो पैराशूट रेजिमेंट है वो पैरा एसएफओ से वॉलंटियर्स आते हैं,
उनको 3 महीने का प्रोबेशन दिया जाता है। प्रोबेशन का मतलब होता है कि उसके विल तोड़ना, उसको सैचुरेशन में बताना कि क्या है क्या नहीं है। और ये क्यों आते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया, लेकिन आई आफ्टर अबाउट 45 ईयर्स ऑफ सर्विंग दिस 40 ईयर्स सर्व 5 ईयर्स आफ्टर रिटायरमेंट नाउ आई थिंक यू नो दीज आर अ बंच ऑफ मिसफिट्स हु फिट वेल टुगेदर। ये पागल लोग हैं, इनमें कहीं ना कहीं किंग्स हैं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होगा जो बोलेगा मुझे वन वे टिकट चाहिए मैं जाकर पाकिस्तान में घुसना, इट्स वन वे टिकट, देयर इज नॉट नो रिटर्न टिकट इन दिस, इट्स अ वन वे टिकट। और जब उनको सिलेक्शन किया गया, जब मैं सीओ से बात करता हूं, उनकी प्रॉब्लम लोगों को सिलेक्ट करने की नहीं थी, उनकी प्रॉब्लम यह थी जो सिलेक्ट नहीं हुए थे इसके लिए जाने के लिए उनको कैसे मनाया कि यू आर द बेस्ट। सो एवरी वन वॉज अ वॉलंटियर इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इट वॉज। सो दे सिलेक्टेड द टारगेट्स, दे हैड ओनली वन नाइट टू डू इट बिकॉज दे हैड टू गेट बैक बाय लास्ट नाइट। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है दुनिया की इज द मोस्ट माइंड एंड मैंड लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर इन द वर्ल्ड। प्री 25 नवंबर 2003 नो सीज फायर, इट इज द हॉट एलसी, देन इट बिकम अ कोल्ड एलसी, आजकल ये वार्म एलसी है, यहां फायरिंग भी होती है, सब कुछ होता है और नहीं भी होता है। सो दैट वॉज द चैलेंज। चैलेंज वॉज द ट्रुप्स वॉज विच वॉज मल्टीपल टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम, अदर साइड ऑफ पीर पंजाब 350 किलोमीटर अपार्ट, केल टू बिम्बर, राइट। एंड द ट्रुप्स वॉज सिलेक्टेड हैव बीन देयर, बट दे हैड जस्ट अबाउट 10 डेज ऑफ फाइनल प्रेपरेशन, फाइनल रिहर्सल्स, फाइनल प्लानिंग, एंड दिस हैड टू गो लाइक क्लॉक वर्क, इट हैड टू गो, इट हैज अ सर्जिकल स्ट्राइक, बट देयर इज नो रूम फॉर एरर, देयर इज नो रूम फॉर फेलियर, द कॉस्ट ऑफ फेलियर इज वेरी वेरी हाई, इट वाज नेशनल एम्बैरेसमेंट, द कॉस्ट ऑफ फेलियर कुड हैव लेड टू अ वॉर, लेट्स से इफ वी लेट 3 or 4 men बिहाइंड। आपके कहने का मतलब ये कि 10 दिनों में चुना गया होगा कि संभवतः टारगेट्स कौन से हैं, फोर्सेस लिए कौन से बंदे को चुनना है, किस तरह से ऑपरेट करना है, ये अपने आप में डिफिकल्ट होता है, या इसके लिए आमतौर पर जो स्पेशल फोर्सेस की आपने बात किया वो आमतौर पर तैयार होती हैं, सिर्फ कुछ कुछ चीजों का ध्यान में रखा जाता है? देखिए जो बेसिक प्लानिंग होती है वो पहले हो चुकी होती है, वो मैं जैसे बोला बास्केट ऑफ टारगेट्स होते हैं, बास्केट ऑफ टारगेट्स कैन इंक्लूड नंबर ऑफ ऑप्शंस, जो एंड में ऑप्शन जो आपने सेलेक्ट किया है उसके बाद आपको उसमें होम करना पड़ता है, उसकी इंटेलिजेंस चाहिए आपको, एक्चुअल इंटेलिजेंस, हो सकता है आप जाएं वहां पर आपको कोई ना मिले तो वो तो नहीं हो सकता ना फिर। फेलियर इन दिस इज नॉट अ चॉइस, फेलियर इज नॉट अ चॉइस। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू स्टॉप यू, एक हम थोड़ा पॉलिटिकल डिस्कोर्स के डिफरेंट डायमेंशन को लें, लेकिन इस बीच में मुझे पूर्णिया से भी मैं एक सवाल कर लेता हूं। हालांकि अपने आप में डिफिकल्ट था, हमने जाना है, एक किताब हमारे सहयोगियों ने लिखी थी इंडियाज मोस्ट फियरलेस, इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो हमको पता चली कि जब वो लोग लौट रहे थे तो एक जिनके पास कमान थी उनकी हाइट थोड़ा ज्यादा थी, तो उन्होंने बोला था इस दौरान कि अगर मेरी हाइट 1 इंच और होती तो संभवतः जो फायरिंग आ रही थी वो हिट करती और हम लोग साफ हो जाते, तो हाइट का एक मैटर था। तो मतलब एक इंसान के अंदर, एक हम जैसे कॉमन मैन के अंदर, आप सब लोगों के अंदर बड़ा क्यूरियोसिटी रही कि आखिरकार कैसे गए होंगे, बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है वहां, बड़ा चलना मुश्किल, ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है। अभी हमने पीएम का इंटरव्यू सुना तो उनकी सारा फोकस इस बात को लेकर था कि सेफली रिटर्न हो जाए, और जब सुबह के टाइम पर वो संभवतः कुछ एक आधा घंटे के लिए कम्युनिकेशन टूटा या थोड़ा डिले हुआ तो बड़ा एक एंग्जाइटी हो गई थी। मेरे अपने में आपसे सवाल ये है कि जो कहा जाता है कि एक मैसेज तो गया लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव हल नहीं हुआ, कश्मीर में अभी भी अटैक हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक बढ़ गए हैं, होमग्रोन जो टेरर था वो बड़ा है, मतलब वहीं से लोग पैदा होना शुरू हो गए, और अटैक भी अब मोस्ट ब्रूटल हो गए हैं, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा गया तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ। एक सोल्जर के तौर पर आप कैसे देखते हैं कि ये कैसा रहा और इससे ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ या नहीं? जय हिंद साथियों, सबसे पहले तो जो सर ने कहा तो ही इज द बेस्ट मैन टू टेल यू अबाउट सर्जिकल स्ट्राइक्स, और फर्स्ट थिंग वी आर फ्रॉम द सेम रेजिमेंट एंड ही वॉज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशंस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड ये सर की जो सर्विस है ऑलमोस्ट 20 साल से ज्यादा कश्मीर में रही है, सो ही नो ABCD ऑफ टेररिज्म, जिहाद क्या है, कश्मीर की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। और सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है, वी हैव टू कीप डूइंग अगेन अगेन एट द टाइम जो हम डिसाइड करें, हमारी चॉइस का टाइम, हमारी चॉइस की जो जगह है कहां पे करना है, ये जरूरत है। रीजन ये है कि पाकिस्तान आपके साथ कन्वेंशनल वॉर नहीं कर सकता, दे ऑलरेडी लॉस्ट 4 वॉर्स, तो उन्होंने लड़ाई आउटसोर्स कर दी है, इन पागल सूर जो जिहादी हैं इनको कर दी है, वो आमने सामने आपसे नहीं लड़ सकते,
तो उन्होंने जैसे अमेरिकन कंपनीज में इंडिया में कुछ अपने जॉब आउटसोर्स कर रखे हैं, तो पाकिस्तान ने आउटसोर्स कर दिया है कि आप जाके लड़िए, और जो मदरसे में जो एजुकेशन हो रही है उसके तहत ये जो लोग आते हैं, जैसे उन्होंने कहा था सत्यपाल जी ने, इनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली है क्या, जन्नत क्या है, आतंकवाद क्या है, हाथ में गन लेके आ गए। सर्जिकल स्ट्राइक जो छोटे लेवल पे पहले जो मिलिट्री कमांडर थे, अगर उनकी बेड टीम ने आके हमारे पे किसी जवान को मार दिया तो हमने किया, लेकिन दिस मैन नरेंद्र मोदी इज द फर्स्ट मैन वो हैड ए करेज इन ए पॉलिटिकल विल कि हमने किया और हमने करना है। आर्मी के पास पहले भी तैयारियां थी, हमारी स्पेशल फोर्सेज इतनी काबिल है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुए दुनिया में आज तक सिर्फ दो ऑपरेशन ऐसे हुए जिनमें जीरो एरर सिंड्रोम हुआ है, एक इजराइल ने किया, एक हमने किया। क्या बात, इतना हाई रिस्क मिशन एक जगह नहीं है, सात जगह एक साथ, इतने लोग, इतने आतंकवादियों को मारना और माइनफील्ड के ऊपर से जाना, उनके एरिया में जाके उन्हीं के घर में उनका जहां गढ़ है वहीं पे मारना, यह अपने आप में एक बहुत बड़े काबिल तारीफ चीज है। सेना पहले भी कर सकती थी, आज भी जो किया है या आगे भी करेगी, लेकिन पॉलिटिकल विल सबसे बड़ी चीज है, पॉलिटिकल विल। आपके ऊपर वाले आपका हाथ ही नहीं पकड़ रहे, अगर दो आतंकवादियों को मार दिया तो आप ह्यूमन राइट्स का केस लगा देते हैं। पिछली सरकार में मैं बांदीपुर में खुद था, और जो अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, हमने एक घर घेरा, उसमें सात टेररिस्ट थे, आर्मी ने जब कोडन किया ऊपर से ऑर्डर आया कि नहीं पुलिस इनको सरेंडर करवा देगी, और शाम को 6 बजे छोंगे छो भाग गए। इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल विल है वो सबसे बड़ी चीज है, और हिंदुस्तान की जो आर्मी है वो देश के लिए काम कर रही है, पाकिस्तान की जो आर्मी है वो उसके हाथ में देश है, उसके हाथ में देश है। मैं आपको एक चीज थोड़ा सा और बताऊंगा कि अगर आपको आतंकवाद खत्म करना होगा तो यू हैव टू क्रिएट बिगर वायलेंस, बिगर वायलेंस। लोग ये बोलेंगे कि आप वार मॉन्गर है, नो ऐसा नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ए वायलेंस, आप किलिंग ए इनोसेंट एंड किलिंग द वन हु इज किलिंग इनोसेंट, देयर इज अ डिफरेंस। सो यू हैव टू क्रिएट ए बिगर वायलेंस फॉर द पाकिस्तान, जब उनको दर्द सही जगह होगा। अगर आपके आपका खेत है, मेरा खेत, मैं किसान की तरह बात कर रहा हूं, ओके, आपका खेत है, मेरा खेत है, मैंने फसल जोत रखी है, आप मेरे पड़ोसी में आपको चेंज नहीं कर सकता, आपने खेत में पागल सुअर पाल रखे हैं, शाम होते ही खोल देते हैं, आप इधर आके पूरी फसल का चौपट कर देते हैं। मैंने 2 दिन बोला आपको, भाई साहब क्या कर रहे हैं, बाढ़ लगा दी, बाढ़ में करंट लगा दिया, फिर भी सुअर नीचे से घुसाए जा रहे हो आप, फिर एक दिन क्या करूंगा मैं, तकलीफ में तंग आके मैं मेरे घर वालों साथियों को लेके मैं जाके पहले उस सुअरों को मारूंगा, फिर भी समझ में नहीं आएगा तो फिर मुझे आपको मारना पड़ेगा। आप समझ रहे हो इस चीज को? जो सर्जिकल स्ट्राइक है ये एक नमूना था, आगे आप बोल रहे हो कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ, इससे फायदा, अगर ये नहीं करते तो पाकिस्तान आर्मी आपके और अंदर यहां तक दिल्ली तक अहमदाबाद तक बेंगलोर तक जो बॉम्बे में किया था फिर दोबारा कर देते। आज उनको पता है कि अगर इस बार आपने किया तो ये जैसे ओसामा बिन लादेन को उनकी मिलिट्री एकेडमी के वहां से लेके उठा के आए थे, इंडियन आर्मी इंडियन स्पेशल फोर्सेज में वो कैपेबिलिटी है, और जो इस बार बैठा है बाबू ऊपर नरेंद्र मोदी उसमें वो दम है, ही कैन ऑर्डर देम कि ओके गो एंड टेक देम, तो अंतर है, डिफरेंस हुआ है। नहीं, ये क्या जज्बा भी है फौज को लेकर कि अगर वो जानवर या सुअर अगर नहीं मानेंगे तो हम मारेंगे, लेकिन अब खैर उसको हम एक डिफरेंट उसमें लेके जाए। प्रोफेसर वाशने, मैं आपके पास आऊंगा, आप कैसे देखते हो, और इस दौरान जो सेना को टारगेट किया गया, जो नैरेटिव बताया गया, इस बारे में आपकी क्या सोच है? आपको लगता नहीं कि इस विषय पर संभवता छोड़ दिया जाना चाहिए था फौज को? सरकार ने अगर डिसीजन लिया, हिंदुस्तान की आर्मी के बारे में, फौज के बारे में कहा जाता है कि मोस्ट डिसिप्लिन्ड है, और हर पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को वो कहीं ना कहीं एड्रेस करती है, उसके आदेश को मानती है, आपके विचार? अनुराग जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। नो वेयर आई विल बी सजेस्टिंग दैट द नेशन शुड नॉट हैव आर्मी और द एयरफोर्स और द नेवी और द पैरामिलिट्री फोर्सेस। नो वेयर आई विल बी सजेस्टिंग दैट terrorism should not be dealt with firm hand. It should be. Nowhere I will be suggesting that Pakistan is a good nation. Pakistan, by and large, the civilian government plays in the hands of the ISI. They are playing the dominant role in the politics of Pakistan. But at the same time, we are of the opinion. We mean, when I say we, Anuragi, while calling me here, introduce me that I am a communist leader.
throughout the world, in the universities of the world, even in the military schools, throughout the world, I have been to so many military schools of Eastern nations as well as Western nations. I have been to so many military commands of the Eastern nation, Western nation, and my nation, that is India. Peace is taught, disarmament is taught, not the war is taught. War is always a destructive until and unless war changes a system of, abolish the system of exploitation of human being by the human being. War is always promoted by those who think that war will give them emotion, war will give them something. I am not against war, but at the same time, war should be the last resort. This is taught to you in your military academies. In India, I know consciously very well because I am a professor and we have been to many of the institutes for teaching purposes, because you don't have these many teachers. You have to call the teachers from away. Number two, we are not questioning the surgical strike, Anurag ji. Okay. The problem is, this was not the first surgical strike. General J.J. Singh, the former chief of the army staff, in one of the television debates, said, if I remember very well, ki saab isse pehle Hindustan ki army ne koi churiyan nahi pehen rakhi thi. So therefore, we are proud of our armed forces. Thousands of times our armed forces in post-independence era have helped the people of India, have protected the border of India, have retaliated the onslaughts of the terrorists, funded by those nations, those who create the terrorist organizations. You read the paper revealed by Julian Assange, you read the Heidelberg papers, you read any research institute papers from the defense, but they don't publicize that much. इसका नुकसान क्या हुआ? अगर राजनीतिकरण कर दिया गया तो उसके नेगेटिव्स क्या रहे और क्या कोई पॉजिटिव्स भी रहे या नहीं रहे? उसी पे आ रहा हूँ, उस पर अपने आप ही आता है क्वेश्चन नहीं पूछते. The negative aspects of this is, if we politicize and publicize the army, or which Mr. Satpal Singh also referred that it should not be politicized. And as a state politician, as a minister, one has to say this thing, you have no other option. It will create a problem of warmongering among the people, populace of the country. And warmongering nowhere helps the development of the nation. Warmongering itself is a will create the violence among the young generation. Whereas we have to make our young generation more and more literate toward the peace, peace of the world, peace of the nation, peace of the region, peace of the society, peace of the family. If you do not promote this thing, my dear, you will have Osama bin Laden. If you do not promote that, my dear, you will have that bloody, what is this, Hafiz Saeed. Okay. You will. Reason being, conflicts on the basis of fictitious grounds or fissiperious tendencies. When I say fissiperious tendencies, when you try to divide the society on the name of religion, name of caste, name of dresses, name of food, or the habits, or the culture, all these tendencies which divides us is dangerous. Hence, we should promote peace. Therefore, that's why just on last line I would like to say is, do you know who created ISIS? Do you know who created Taliban? Now it is an established research in America. The Taliban's first pamphlet was printed in America by the CIA. And who is the biggest seller of arms in the world is the America. Hence, we should fight against the arms race, we should fight for disarmament. But at the same time, I again repeat, nowhere I will ever suggest, as long as we have borders, as well as relations are there, to not to have the paramilitary forces or forces of us. We are proud of them, we should be proud of them. Thank you. Okay.
हालांकि आपने ये नहीं बताया कि इसके पॉजिटिव भी क्या रहे कि नहीं रहे। पॉजिटिव देखिए इसकी जहां तक पॉजिटिव एज फार एज पॉजिटिव एक्सेप्ट, अब मतलब मेरा सवाल पॉजिटिव का इसलिए है क्योंकि अब सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, सरकार ने घोषणा कर दी, सरकार ने क्लेम लेने की भी कोशिश करी जिसका कि आरोप लगता है, क्या आपकी नजर में कुछ पॉजिटिव्स भी रहे कि हाँ ठीक है अच्छा हुआ, चलो पहली बार तो किया कम से कम, आगे से मत करना लेकिन इस बार तो हुआ। अनुराग जी यही तो प्रॉब्लम है, वही तो झगड़ा हो गया और झगड़ा होता ही नहीं, नहीं तो ये बताया गया कि ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक है, ये पहली थी नहीं, इससे पहले जनरल जयवीर सिंह कह चुके हैं उससे पहले चूड़ियां नहीं पहनी थी सेना में, जनरल भाटिया भी अग्री करेंगे मेरे से, इन्होंने खुद ही कहा कि 10 साल लगते हैं प्रिपेयरनेस करने में ऐसी चीजों। एक्सक्यूज मी सर, नंबर जस्ट लेट मी कंप्लीट मिस्टर पुनिया एंड देन वी आर वेलकम टू कम। ओके यू सी काइंडली ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बहुत कम होंगे, आप चेक कर लीजिए किसी भी फिलोसफिकल थॉट में चले जाइए, वेदर इवन इफ यू गो टू राइट स्कूल ऑफ थॉट अबाउट वार्स इट विल नॉट हैव पॉजिटिव इफेक्ट्स। रीजन बी वी द वार अगेन आई रिपीट अ वेरी वन फंडामेंटल फिलोसफिकल सब्जेक्ट विच हैज बीन सेड फ्रॉम एमाइल रखाइन विच हैज बीन सेड बाई ऑल दी स्कॉलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम टिल नाउ दैट वार इज ऑलवेज अ डिस्ट्रक्टिव अंटिल अनलेस इट चेंजेज अ सिस्टम, ए सिस्टम which is exploitative, a non-exploited system is bought. Thank you. ठीक है, आप कुछ बात करें भैया। जो इन्होंने कहा, प्रोफेसर साहब ने कहा है कि ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, मैं इनकी बात से सहमत हूं, लेकिन अंतर है इसमें। आपके सामने बैठे हैं यहां पर जंग साहब, 25 डिव के जीओसी थे, इन्होंने खुद में इनकी जो डी थी उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जो हमारे किसी जवान का वो सर काट के ले गए इन्होंने किया, लेकिन क्या उस समय की पोलिटिकल क्लास, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, किसी की औकात या हिम्मत थी जिन्होंने देश को बताया कि हमने किया? नहीं किया, मैं ये नहीं कर रहा हूं, नहीं किया, किया था पहले भी बहुत बार किया है, लेकिन इस स्ट्राइक और पहले वाली स्ट्राइक में सिर्फ दो अंतर है। पहला अंतर यह है कि देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसने एक्सेप्ट किया कि यस हमने किया है। दूसरा अंतर यह एक बड़े लेवल पर किया गया, पहले जब सर थे इनके साथी और सीनियर और जो जूनियर जिन्होंने किया, एक स्पेसिफिक टारगेट लिया, उन्होंने हमारे किया तो हमने जाके उनके वहां पे कर दिया, लेकिन इन दिस सर्जिकल स्ट्राइक देयर वर मेनी लॉन्च पैड्स, मिनिमम 7, आई एम राइट सर, 7, और सर ने आपके सामने बैठे हैं तो आपकी बात सही है, पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है लेकिन वो लोकल कमांडर्स, ड्यू कमांडर, कोर कमांडर उनके लेवल पे हुई है, उन्हों क्योंकि जवाब तो इनको देना, मैं इनके नीचे सर्व कर रहा हूं, अगर मेरे बंदों का सर लेके चले गए तो मुझे जवाब देना उनको, तो सर को जवाब देना, तो हमने एक्शन किया, लेकिन जो भी पॉलिटिकल क्लास को बोला गया नहीं दुनिया में ह्यूमन राइट्स का ड्रामा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाकी सर आप खुद बताइए। देखिए पूरे वर्ल्ड में 3 मेजर सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं अगर माना जाए तो, पहला फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकंड रशियन रेवोल्यूशन, थर्ड इज द इंडो बांग्लादेश एंड लिबरेशन ऑफ द बांग्लादेश बाय द इंडियन आर्मी। यू कैन नॉट फॉरगेट दोस थिंग्स। आई थिंक कुछ लोग डिसएग्री करेंगे, वहां से सर भी उठ रहे हैं, हालांकि इस पे चली बहस हो सकती है। 30 सेकंड्स आई थिंक बड़ा हॉटेड टॉपिक है, इसमें लंबा समय जाना वाला, स्वाति आपको समय बढ़ाना पड़ेगा मुझे लगता है। यू नो व्हाट्स अ सर्जिकल स्ट्राइक, डेफिनेशन ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक हैज टू बी सीन एंड आई विल डिफाइन नाउ। It's a military terminology which says exactly a surgical strike is a military attack which results in or is claimed to have resulted in damage to the intended legitimate target without any collateral damage. Okay, now तो ये हुई है, बिल्कुल ठीक है, चार हुई है। ओके वो अचीव हो गया। इराक, इसराइल ने इराक पे करी थी 1981 में ऑन द न्यूक्लियर रिएक्टर, इराक ने करी, इसराइल ने करी इंटरव्यू में 90 मिनट इंटरव्यू किसने देखी हो। ओके उसामा बिन लादेन वहां पर एक हेलीकॉप्टर छोड़ाए थे ये, हमने करी कुछ भी नहीं छोड़ के आए, बिल अंडरस्टैंड व्हाट दैट मैन वेंट थ्रू, ही हैड टू इन्फिल्ट्रेट, ही हैड टू इंसर्ट विदाउट एनी मिस्टेक्स, नो मिस्टेक एक्सेप्टेबल, जाके उन्होंने वहां पर टारगेट को डिस्ट्रॉय करना था, वंस द फायर ओपन्स, और वहां पर कुत्ते होते हैं, भौंकते हैं, बोले आप रात को किसी गांव में चले जाओ, यू कांट एंटर अ विलेज, हाउ कैन यू एंटर अ विलेज, सोसाइटी में भी चले जाओ, तो ये अंदर गए, घुसे वहां पर, अपने टारगेट पे पहुंचे, टारगेट को डिस्ट्रॉय किया, जब ने डिस्ट्रॉय किया तो पूरी सरप्राइज खत्म हो गई, अभी सबको पता फायरिंग हो गई है, पाकिस्तानी आर्मी वहां पर है, वो उनको रोकने की कोशिश करेगी, दे केम बैक विदाउट अ कैजुअलिटी, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट वेंट थ्रू, एंड एट द हाईएस्ट लेवल्स हम कहते हैं कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मैं मानता हूं कश्मीर में कुछ हुआ, लेकिन क्या इफेक्ट हुआ, राहिल शरीफ वो द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इन सितंबर 2016, हिज टेन्योर फिनिश्ड 29 नवंबर 2016,
फील्ड मार्शल, ही वॉज अ पोस्टर बॉय, कराची में पोस्टर लगते थे उनके, क्या हुआ उनको, ही हैड टू लीव, व्हाट हैपेंड, आइसोलेशन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल से, व्हाट हैपेंड, फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टोल्ड द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कि यू हैव आइसोलेटेड पाकिस्तान, पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है चीफ प्राइम मिनिस्टर को चीफ को बोल दे, उसने बोला वहां पर, तो इट इज नॉट दैट, देयर वाज स्ट्रेटजिक इंप्लिकेशंस टू इट, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट यस, एंड वी सेंड अ सिग्नल, रेज द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान, लेट मी टेल यू नाउ टुडे, पाकिस्तान हैड टू मूव बैक द टेररिस्ट कैंप्स, दे हैड टू मूव बैक द लॉन्च पैड्स, पहले वो हमारे सामने होते थे, हमको देखते थे रोज, हमको पता था ये आज आएंगे, हमको मारते थे वहां पर, लेकिन हर बार नहीं मार सकते, दे विल सक्सीड सम टाइम, अभी उनके वो पीछे चले गए हैं, उनके लॉन्च पैड्स को पाकिस्तानी आर्मी प्रोटेक्शन दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, तो वी हैव रेज द कॉस्ट ऑन पाकिस्तान, पाकिस्तान हैड टू मूव बैक ट्रूप्स फ्रॉम फाटा, फ्रॉम नॉर्थ वजीरिस्तान, फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट, लुक एट द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान, वी हैव टू रेज द कॉस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत क्यों खराब हुई है, बिकॉज ऑफ द टेररिज्म मोड देयर, उनको उनकी आर्मी जो है आज मतलब पूरा टाइम ऊपर नीचे घूम रही है, दैट्स व्हाट वी वांट अनप्रिपेयर्ड आर्मी, वी डोंट वांट अ प्रिपेयर्ड आर्मी, प्लीज। आशुतोष आप कैसे देखेंगे, एज ए जर्नलिस्ट के तौर पर ये डिबेट रही, ये डिस्कशन रहा, ठीक था नहीं था, इससे ज्यादा था कि क्या अनाउंसमेंट होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, भाजपा ने एनडीए सरकार ने इसका राजनीतिकरण ज्यादा कर दिया, जबकि कुछ लोग कहते हैं इससे पहले था, जो कि आप दिनेश जी ने भी कहा, आप इसको इन टोटलिटी में कैसे देखते हो, जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ? पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं बड़ी देर से सब पॉलिटिशियंस को सुन रहा था, तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते हर हिंदुस्तानी फौज की बहुत इज्जत करता है, और हम सभी जानते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे, और ये क्रिएट ही पाकिस्तान इसलिए हुआ है क्योंकि वो एंटी इंडिया है, वहां पे जो भी रहता है वो क्योंकि हिंदुस्तान को चाहता नहीं था, हेट करता था, इसीलिए वो जाके पाकिस्तान में रहा, तो ये बड़ी क्लियर बात है कि ये डिविजन बहुत सिंपल सीधा सा है। अब लोग अगर जिन लोगों ने उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न चिन्ह लगाया, पहली बात मेरा यह मानना है कि वो प्रश्न चिन्ह नरेंद्र मोदी पे थे, ना कि सेना पे, वो जो है सेना पे नहीं थे, सेना की हर भारतीय इज्जत, एक कांग्रेस के सांसद ने कहा था, मतलब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बारे में बड़ा गंदा बयान दिया था, वो उनका व्यक्तिगत वो था, उसके लिए उनकी सब लोग ने बुराई करी, और मैं भी उसकी अवहेलना करता हूँ, ये भाषा जो है अनुचित है, नहीं उसका उनको प्रयोग करना चाहिए था। दूसरी बात, हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं कि फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो क्यों एक ये सवाल आया, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट जनरल हुडा ने अभी कहा कि ओवर हाइप्ड और पॉलिटिसाइज था, तो एक आर्मी वाला जो कि उसका हिस्सा था, जब उसको ये लग रहा है कि भाई ये ओवर हाइप्ड एंड पॉलिटिसाइज था, तो उसमें कुछ तो दम होगा, जो बाकी जो लोग सवाल उठाते हैं, और हम लोग अगर जनरल साहब बताएंगे कि दो महीने बाद ही उरी के, दो महीने जब ये सर्जिकल स्ट्राइक के दो महीने बाद ही नगर कोटा में जो है 16 कोर के पे फिर अटैक हुआ था, और 10 सिपाही वहां पे जिसमें 3 अफसर थे मारे गए थे, तो पाकिस्तान पे उस पर कितना असर हुआ नहीं हुआ ये तो जो है बताना है, तुरंत पॉसिबल नहीं है। और आज सुबह भी जब मैं आ रहा था तो खबर आ रही थी कि ये जो जनरल साहब ने कहा कि उन्होंने अपने टेररिस्ट कैंप पीछे कर लिए थे, फिर आ जाए कि वो एलओसी के पास ला रहे हैं, तो ये तो लड़ाई है, ये चलती रहेगी और इसको रोका नहीं जा सकता, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं खत्म होगी, और हमें उसको पॉलिटिसाइज इसलिए नहीं करना चाहिए कि सबसे बड़ी बात है कि अगर सेना पुलिस ये पॉलिटिसाइज हो जाएंगे और उनको ये लगने लगेगा कि आज हम अपने राजनेताओं की बात मानेंगे तो कल या रिटायरमेंट के बाद हमें और बेहतर मिनिस्टर बन सकते हैं या कुछ इस तरह की चीजें प्राप्त कर सकते हैं, तो जब उनको ड्यूटी करनी थी तो उनकी वो ड्यूटी देश के प्रति वो वफादारी होगी या उस समय जो पार्टी पावर में है उसके प्रति वफादारी होगी, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हम हर भारतीय के लिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि फोर्सेस का या फिर जो स्टेट्समैन आए वो चाहे आर्मी चीफ के हों या किसी के हों वो कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, आपका कहना क्या मतलब ये है क्या? देखिए सोल्जर तो नहीं, आम सोल्जर तो नहीं होता, अगर वो होता तो फिर वो अपनी जान खतरे में क्यों डालता, वो तो उसको तो प्रेम है देश से इसीलिए वो जाके वहां जो अपनी जान पे लड़ता है ना। हम और आप तो नहीं जाते हैं, हम और आप तो यहाँ बैठ के जो है केवल डिबेट करते रहते हैं, जान तो वो जोखिम में डालता है, तो सोल्जर तो नहीं होता, लेकिन पॉलिसी लेवल पे ऊपर के लेवल पे कौन हो गया कौन नहीं हो गया ये तो रिटायरमेंट के बाद पता ही चल जाता है। ठीक है शिवम, आप क्या विचार इस बारे में क्या है, क्योंकि आपने सबको सुना? राजीव बहुत धैर्यपूर्वक सभी को सुन रहा था और मुझे मेजर पुनिया की बात को बहुत समर्थन करता हूँ, मेजर धन साहब ने जो बहुत बात बोली उसका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ।
कहीं ना कहीं वाष्णे जी बहुत एक शिक्षाविद हैं, कहीं ना कहीं उनकी उनकी बात को भी समझना चाहिए, सुनना चाहिए। परंतु मैं इस बात से सर आपकी बात पर डिफर करता हूँ। देश की सेना के पराक्रम की चर्चा करना अगर पोलिटिसाइजेशन है तो इस देश के अंदर ऐसी पॉलिटिक्स का होना अति आवश्यक है। आप जरूरी है, अति आवश्यक है। अनुराग जी इस बात का एहसास करना है कि जब देश का प्रधानमंत्री इंटरव्यू देता है वो ये कहता है कि रात भर वो बेचैन रहा ताकि उसका प्रत्येक जवान वापस देश की सीमा में सुरक्षित पहुंच जाए, ये सिद्ध करता है कि इस देश के अंदर में एक लीडर ऐसा पैदा हुआ है जिसके लिए देश सर्वप्रथम है। हमको इस राजनीति को बढ़ाना है, ना कि इस बात को बढ़ाना है। ये डिसआर्ममेंट की बात आज की नहीं है, ये वर्षों से चल रही है और ये संसार है। ये आप और मैं बैठ करके यहाँ एक होटल की डिबेट के अंदर बात कर सकते हैं, करनी भी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्या देश के पराक्रम को अगर समाज के साथ में बांटना राजनीति करना है तो साहब आई बीइंग अ बीजेपी का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं इसको गर्व है कि मैं उस राजनीतिक दल का हिस्सा हूं जिसका देश का प्रधानमंत्री इस बात की चर्चा करता है, देश की सेना का पराक्रम का जो है चर्चा करता है। आई गो टू दैट नेशन। दूसरी बात, पोलिटिसाइजेशन किसने किया, किसने किया पोलिटिसाइजेशन? डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा करी कि सर्जिकल स्ट्राइक की गई, किसने करी? पीजीएमओ ने। अगर उस समय हम कहें कि एक ऐसी बहस करने का मौका होता तो कहीं ना कहीं देश का डिफेंस मिनिस्टर आकर के पीसी करते, देश के प्रधानमंत्री आकर के पीसी करते, देखिए हमने देश ने जो है एक सर्जिकल स्ट्राइक किया है। राजनीति किसने करी साहब? नहीं, क्योंकि समय जी, लेकिन चूंकि खत्म नहीं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ जवाब। चूंकि मॉडरेटर का काम तमाम जो ओपिनियन चलती है उसका काम होता है, जो बात आप कह रहे हैं उससे मैं एग्री करता हूँ, मैं दिली तौर पर एग्री करता हूँ कि बहुत अच्छा काम हुआ, एक पॉलिटिकल नैरेटिव बना। लेकिन मेरा सवाल आपसे दूसरा है जो कि लोग पूछते हैं और जो नैरेटिव डेवलप हुआ वो ये कि इससे पहले भी हुआ था, जो कि जनरल जयजीत सिंह का रेफरेंस दिया दिनेश जी ने। भाजपा बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद करती है और राष्ट्रवाद थोपती है, राष्ट्रवादी हम पहले भी थे, कांग्रेस कहती है कि हम पहले भी थे, आप थोपते हैं। इससे पहले भी सेनाएं काम करती थी, सेना ने करगिल भी की जीता था, 71 की लड़ाई भी जीती थी, भाजपा ने थोड़ा इसका ज्यादा कर दिया है, वो क्लेम ज्यादा लेते हैं। सर क्या मैं फिर बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूं, क्या देश के पराक्रम को, देश की सेना के पराक्रम की प्रशंसा इस देश में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आप उसको थोपने का विषय कहते हैं तो आई एग्री, मैं थोपना चाहता हूं। आप देखिए, आप यू सी दी हाइट ऑफ हिपोक्रेसी, यू सी दी हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। इस देश के अंदर में राष्ट्रगान गाना, वंदे मातरम का गान करना, क्या ये पॉलिटिकल इशू है? क्या ये पॉलिटिकल इशू है? अगर एक सरकार ने तय कर दिया कि साहब महीने के एक दिन पहले दिन जो है वंदे मातरम में गान किया जाए तो क्या ये पॉलिटिकल इशू बन गए? इसमें चले जाए कहीं ना कहीं देखिए, दिस इज प्रॉपर हिपोक्रेसी, इट इज एब्सोल्यूट हिपोक्रेसी। और मैं फिर कह रहा हूं, पोलिटिसाइजेशन किसने किया पोलिटिसाइजेशन? कांग्रेस पार्टी ने किया पोलिटिसाइजेशन। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख सबूत चाहिए, आपको सबूत चाहिए इस देश की सेना से कि वो पीओके में गई, उन्होंने 7 ठिकानों को नस्ते नबूद कर करके देश वापस आई और भारत का परचम लहराया, तो उसके लिए उनको सबूत चाहिए। तो क्या वो सुरजेवाला जी को साथ ले जाते? एक सेंटेंस अनुराग पुनेटा जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और आपने मेरे आधे प्रश्न का जो आपने उठाए थे उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया। देखिए, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान में आप कितना भी झगड़ा कर लीजिए, बैठना तो टेबल पे ही पड़ेगा। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के एग्जाम्पल देख लीजिए, 50 साल बाद बैठे हैं, बैठना तो टेबल पे ही पड़ेगा ना। और कश्मीर, एक मिनट, कश्मीर इज ए पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इट हैज टू बी रेजोल्यूट पॉलिटिकली। लेट्स नॉट मेक इट, हैज बीन सेंट बाय ईच एंड एवरी जीओसी कमांड ऑफ द कश्मीर सिंस इंडिपेंडेंस। ठीक है शिवम, मैं आपसे सवाल किया, मेरा दिनेश जी आपसे सवाल है, फिर मैं आपके पास आता हूं। एक सवाल, एक नैरेटिव ये कहा जाता है, दिनेश जी आप उसका जवाब देंगे, कि
तमाम वामपंथी संगठन कांग्रेस, ये भाजपा का आरोप है कि उनको शांति, उनको अमन चैन, उनको हिंदुस्तान पाकिस्तान की पुराने जो कल्चरल ट्रेडिशंस हैं उनकी याद तभी आती है जब थोड़ा सा हम एग्रेशन दिखाते हैं, और आप ये तब नहीं करते हैं जबकि वहां पर किलिंग हो रही होती है, आप ये तब नहीं करते हैं जबकि नक्सलाइट्स मारते हैं, तब आप नहीं करते हैं। ये उस समय क्यों जब याद आता है, जब थोड़ा सा हिंदुस्तान की सरकार या हिंदुस्तान की फौज एग्रेशन दिखाती है तमाम अमन के दूत पैदा हो जाते हैं। ये आरोप आपका लगता है? नहीं, एग्रेशन पे मैंने शुरू ही अपने आप कहा था कि एग्रेशन तो करना पड़ेगा अगर नेबर कंट्री आपके ऊपर अटैक करेगा या टेररिस्ट टेंडेंसीज को प्रमोट करेगा। मिलिट्री आपको रखनी पड़ेगी और आपको मिलिट्री की अपडेट भी करना पड़ेगा, आर्मामेंट से भी, मेंटली भी, प्रिपेयरनेस से भी, एवरीथिंग वे। प्रॉब्लम ये आती है कि किसी ने इसके खिलाफ नहीं बोला। प्रॉब्लम तब आती है जब उसमें यह कहा गया, अगर आप ध्यान से देखें कि साहब ये पहली सर्जिकल स्ट्राइक है, उसके नेक्स्ट डे से क्वेश्चन उठा, उससे पहले उस पर किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, नोबडी रेज द क्वेश्चन। नंबर टू सर, क्वेश्चन तो उठे थे आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक, देखिए इस बात को समझिए, इस देश ने अगर सबसे बड़ा एग्रेशन पाकिस्तान में किया है तो 1971 में किया है जब बांग्लादेश को पाकिस्तान से निकाल के पाकिस्तान के दो टुकड़े कर। ओके ओके, मैं एक बात भाई कुछ कहना चाहता हूँ जी। एक बात, इसी सर्जिकल स्ट्राइक पहली बार हुई, बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसको ओवर पोलिटिसाइज करना, ओवर हाइप करना, आई थिंक इट्स अ नेगेटिव थिंग, बिकॉज यू कैन नॉट डू इट अगेन। ओके, अब यू नो इतना पॉलिटिकल कैपिटल किसके पास होगा, किस गवर्नमेंट के पास होगा कि वो जाके फेल हो जाए? एंड लाइक आई सेड, चांसेस ऑफ फेलियर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हाई, चांसेस ऑफ फेलियर 99%, चांसेस ऑफ सक्सेस 1%। तो अगली बारी कौन कर पाएगा इसको? एंड पाकिस्तान अंडरस्टैंड्स दैट, नो वी कैन कॉल पाकिस्तान आर्मी रोग आर्मी, नो दे आर प्रोफेशनल आर्मी, उनको सब पता है, उनका स्टेट पॉलिसी है इंडिया का इस प्रॉक्सी वॉर करना। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी वांट इंडिया, आई एम अ प्राउड इंडियन, वी वांट इंडिया व्हिच इज मॉडर्न, व्हिच इज प्रॉस्पेरस एंड व्हिच इज सिक्योर। एक सवाल आपसे और, हाँ जी, क्या आपको लगता है कि वी डोंट हैव अ स्पेसिफिक पाकिस्तान पॉलिसी एज फार एज दिस डायमेंशन इज कंसर्न, रादर देन रिजॉर्टिंग ऑन दिस सर्जिकल स्ट्राइक वी शुड हैव अ क्लियर कट ड्राफ्टेड पाकिस्तान पॉलिसी? आई थिंक आपने बिल्कुल ऐसा सवाल पूछा है, मेरे ख्याल से हमारी पाकिस्तान पॉलिसी है ही नहीं। हमारी पाकिस्तान पॉलिसी इज बेस्ड ऑन इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स। ओके, ठीक है, हमारी एक पाकिस्तान पॉलिसी होनी चाहिए, चलनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, चलनी चाहिए। हमारी पाकिस्तान पॉलिसी क्या है? आज बात करेंगे कल नहीं करेंगे, आज करेंगे कल नहीं करेंगे, एंड वही फायदा उठाते हैं। हमारे पास डेविल्स ऑल्टरनेटिव है, जब हम पाकिस्तान से बात करते हैं तो उनका कोई ना कोई एलिमेंट्स पाकिस्तान में क्या करता है, टेरर फैला देता है। लेट्स टेक द एग्जांपल, आई कैन गो बैक इनटू हिस्ट्री, प्रधानमंत्री हमारे बहुत बोल्ड स्टेप था, बहुत बोल्ड इनिशिएटिव था, वेंट टू लाहौर 25th of December, 1st January, 2nd January यू हैड पठानकोट, उफा में 15 जुलाई को मिले, 28 जुलाई को गुरदासपुर हुआ। हमारे पुराने मतलब एक्स प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मनमोहन सिंह मेट मिस्टर नवाज शरीफ ऑन द 24th of September, 28th September को सांबा हुआ, आई एम टॉकिंग 2013, ठीक है। आई कैन गो बैक इन टू हिस्ट्री, इवन मुंबई अटैक्स, इट हैपेंड वंस द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान दैट टाइम he reached out for peace talks. So whenever wants to peace out, there is another element in Pakistan. He does not want peace with us. Okay. Obviously. Okay. But we still have to have a policy. I do agree with General Bhatia. As and when the command of the nation goes in the hands of the defense forces, it can create problem. As and when the command of the defense forces remain in the hands of the civilian government, is better. लेकिन ये ऐसा क्यों है सर? इससे मैं डिसएग्री करता हूं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये नैरेटिव क्यों पैदा किया जा रहा है कि सिर्फ सरकार के आने पर ये जो मतलब सत्ता की जो चाबी है, जो लगाम है, वो सेना के हाथ में चली गई? ऐसा कहां पर हो रहा है? कहां पर तो अनुराग जी जा ही नहीं सकती, एज लॉन्ग एज वी आर गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? आई मीन टू से, यू सी पाकिस्तान, यू सी पाकिस्तान, इट्स अ डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री। सी सूडान वो इडी अमीन, क्या हुआ इस देश का? ठीक है, I can give you hundreds of examples since the formation of the state and formation of the nation. I am a professor of history. ठीक है, आशुतोष जी, आप कहना चाहते हैं? एक सवाल मैं पूछूंगा अभी आपसे। अभी बात हो रही थी कि जो है पोलिटिसाइजेशन की, तो उस समय सम्मान किसका हो रहा था? सामूहिक सम्मान, मनोहर पारिकर डिफेंस मिनिस्टर जो है,
इस कमरे में कितने लोग ये जानते हैं कि लांस नायक संदीप सिंह जो कि उस हिस्सा थे उस सर्जिकल स्ट्राइक का, दो साल बाद वो जो है टेरर अटैक टेररिस्ट से लड़ते हुए हिंदुस्तान में मारे गए। वहां पे सेना और सैनिकों का सम्मान नहीं हो रहा था उस समय केवल पॉलिटिकल कैपिटल गेन करने के लिए कि एज इफ अगर मोदी नहीं होते तो ये नहीं होता। आई टोटली डिसएग्री, जो भी उस समय राजनेता होता वो उतना ही परेशान होता जितना कि मोदी जी थे कि भाई हमारे सैनिक गए हैं, वो भी वैसे ही रात भर जग रहा होता, क्योंकि जैसे अभी जनरल साहब ने बताया कि 99% चांस होता है कि वो फेल हो जाए स्ट्राइक, तो सब परेशान होते क्योंकि उस समय इज्जत आपकी भी ताक पे है कि अगर हम वहां पे हमारा सैनिक मारा गया तो हम पे हमारी खिल्ली उड़ेगी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसी बहुत बड़ी बात कर दी जिसके लिए वो अपनी पीठ इतने ज्यादा थपथपाते रहते हैं। ओके, और वो वहां पे ये जो सोच है ना खिल्ली उड़ेगी, ये दिक्कत है। खिल्ली उड़ने से ज्यादा उस आदमी को इस बात की चिंता थी कि देश का जवान वापस उसकी सीमा में आ जाए, सुरक्षित आ जाए, उसकी चिंता उसको एक एक ह्यूमन होने के लिए चिंता थी, उसको साथ ही ये चिंता थी यही थी वो खिल्ली उड़ जाए उसकी यही चिंता है। जो ये नैरेटिव है ना, ये दिक्कत का विषय है। मैं आगे सवाल ये नैरेटिव जो आपका है ना सर, ये उन्हीं को थी कि नहीं थपथपा पाऊंगा कि नहीं थपथपा पाऊंगा, अगर फेल हो गया तो ये टीवी डिबेट ना हो जाए। मेरा सवाल आपसे मेरे पुनिया, आखिरी सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि 47, 65, 71 और देन कारगिल वॉर, उसके बाद भी पाकिस्तान का जो एटीट्यूड नहीं बदला, आर्मी चीफ जब कहते हैं कि वी हैव टू डू मोर सर्जिकल स्ट्राइक, क्या और करके बिना पॉलिटिसाइज करके क्या आंसर हो सकता है, हाउ टू स्टॉप दिस क्रॉस बॉर्डर और जो हो रहा है? आपके सवाल के तीन हिस्से हैं, सबसे पहले पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक, तो मैं आपको कहना चाहूंगा सेना को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता कोई भी नेता कैसे चीखे चिल्लाए हुई नहीं हुई, सही बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पहले भी काम कर रहे थे आगे भी काम करेंगे। दुख सिर्फ इस बात का हुआ है कि दो नेताओं ने यह कहा कि सबूत ला के दो, और वो दोनों नेता ऐसे हैं कि एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक लेडी प्रेग्नेंट है, 9 महीने, सबको पता है डॉक्टर के पास जा रही है, पेट में बच्चा है, फिर डिलीवरी होगी, तो वो नेता पूछता है कि किसका बच्चा है, डिलीवरी हुई नहीं, प्रेग्नेंट नहीं थी, अरे भैया प्रेग्नेंट थी, ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब देख लो, नहीं बच्चा है कैसे मान ले, डीएनए टेस्ट कराओ, डीएनए टेस्ट करवा दिया, पता चला कि बच्चा इसी लेडी का। मैं तो लैब पर भरोसा नहीं करता। ये जो केजरीवाल और जो संजय निरुपम जी ने जो किया, इसका फौजियों को दुख है, इसका दुख है सही में। बाकी चाहे कांग्रेस बीजेपी या कोई भी पार्टी कितने भी पोस्टर लगाए कि हमने की तुमने की उसने की, सेना को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करेगी, पहले भी कर रही थी आगे भी करेगी।